तू ही एक सहारा मेरे प्यारे, अरे तू ही एक सहारा। भगवान ने गिरवर को उठाया हुआ है, सब ब्रजवासियों को बुला लिया, सब अपने गिरिराज जी के नीचे चले गए, शरण में पहुंच गए हैं प्रभु के। और इतना भारी पर्वत कहीं गिर ना पड़े इसलिए अपनी मोटी मोटी लठिया और सबने लगा ली। प्यारे भारी पर्वत है, गिरेगा तो चक्कर पड़ जाएगा। कन्हैया तो कह रहे लाला अपने हाथ को नीचे कर ले, हमने ये पर्वत उठा रखा है, तेरे हाथ में दर्द दे रहे होगा ना। भगवान ने मनी मन सोचा यदि अपने हाथ को नीचे किया तो सब ब्रजवासी दब के मर जाएंगे, फिर पुनर्जीवित हमको इनको करना पड़ेगा। हाथ नीचे कर ले, बोले कर ले भैया। मेरे प्रभु ने क्या किया, अपनी कनिष्ठ उंगली को मेरे गोविंद ने थोड़ा सा नीचे किया है, और जैसे ही नीचे किया सुखदेव महाराज वर्णन कर रहे हैं, बोले बंधुओं हजारों लाखों लठियां लगी हुई थी, सबकी सब लठियां टूट गई, सब घबरा गए, भैया बचा, भैया बचा, भैया बचा। प्यारे इस प्रकार प्रभु के चरणों में जब पुनः निवेदन किया, भगवान ने पुनः गिरवर को धारण कर लिया, साध लिया है। आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा ब्रजवासियों का, कन्हैया आखिर कौन सी शक्ति है तेरे भीतर, लाला वो शक्ति हम जानना चाहते हैं। कि कछु माखन को बल भड़ो कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो था। कछु तो हमने जो ब्रजगोपन के घर ब्रजगोपीन के यहाँ जाके माखन खायो, कछु तो वाकी ताकत हम में आई जो हमने पर्वत उठायो है। कछु गोपन करी सहाय, कछु तुम गोप वाला ने मेरी सहायता करी। ब्रजवासी कहने लगे चौरीदारी के, हमने कहा सहायता कर दी तेरी। बोले भैया जब तेने पर्वत, जब हमने पर्वत उठाया हो ना, तो ब्रजवासियों तुम सब हमारी ओर घूर घूर के देख रहे, तो तुम्हारे भीतर की जितनी हूँ शक्ति ही वो मेरे भीतर आ गई। बोलो राधे राधे। अब इस बात को सुनते ही ब्रजवासी कहने लगे वारे वाह कन्हैया, जब ही तो गे लाला हमारे हाथन की ताकत कहाँ चली गई, कैसे हम पर्वत नहीं उठा सके। अरे भैया पहले तो तू माखन चुरावे और तो तू शक्ति को भी चुराने लगो है। चोर अग्रगण्यम पुरुषम नमामि, इसीलिए तो तुझको चोरों का सरदार कहते हैं, तू तो शक्ति को भी चुराया है। श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरवर लियो, राधा रानी की कृपा है इसलिए गिरवर को उठा रखा है। क्यों ऐसा कहते हैं, वहां पर वृषवाहन जी अपने परिवार को लेकर मौजूद थे। लोगों ने कहा क्या करें, ये पर्वत उठ गिरना पड़े नीचे। तब कहा कि कन्हैया को शक्ति मिलती रहे तो सबसे बढ़िया उपाय, राधा रानी को गोविंद के सामने बिठा दो, और जब ठाकुर जी की शक्ति ही प्रभु के सामने जब विराजमान हो जाएंगी, विद्यमान हो जाएंगी, तो अपने आप पर्वत खड़ा रहेगा। राधा रानी को बिठाया गया था, राधा रानी। और वास्तव में देखा जाए ऐसा वर्णन आता है, ये पर्वत तो भगवान ने उठाया ही नहीं, पर्वत को उठाने वाली तो मेरी राधा रानी है। बोलो राधे राधे, राधे, राधे। पर्वत प्रभु ने नहीं उठाया, ब्रज के संतों का कहना है इस पर्वत को उठाने वाली मेरी राधा रानी है। क्योंकि वृंदावन में कन्हैया जी की नहीं चलती, वृंदावन में तो राधा रानी की चलती है, ब्रज की ठकुरानी श्री राधिका रानी। राधा आत्मा है और श्याम शरीर, आत्मा नहीं रहे तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती, ऐसे ही बिन राधा प्रभु की कोई महिमा नहीं। कहते हैं संतों का तो ऐसा कहना है, जब कोई व्यक्ति राधा नाम का उच्चारण करता है, केवल रा शब्द बोलता है, रा बोलते ही मेरे बांके बिहारी चौंक उठते हैं, किसने रा शब्द बुलाया। और जब लोग बोलते हैं, भक्त पुकारते हैं धे राधे, तो मेरे बांके बिहारी केवल चौंकते ही नहीं बल्कि अपने भक्तों के पास दौड़े चले जाते हैं, किसने राधा नाम पुकारा, ऐसा कौन सा भक्त है जो राधा नाम पुकार रहा है। भगवान दौड़े खींचे चले जाते हैं, मेरे प्यारे राधा नाम तो इतना प्रिय मेरे बांके बिहारी को है। देखिए भगवान ने ये गिरवर उठाया वाम हस्त की कनिष्ठ उंगली के नख पर। पर्वत को राधा रानी ने कैसे उठाया सुन लीजिए,
कहते हैं जो व्यक्ति होता है, पुरुष जो होता है, पुरुष का जो वाम अंग होता है वो उसके स्त्री के भाग का होता है, याद रखना है। कभी आप किसी ज्योतिषी के पास जाओगे ना, ज्योतिषी के पास यदि पुरुष जो होंगे, यदि वो अपने उल्टे हाथ को दिखाएंगे तो ज्योतिषी मना कर देगा, ये नहीं अपना सीधा हाथ दिखा। वाम अंग जो है पुरुष का वो स्त्री के भाग का होता है। और भगवान की दो प्रधान रूप से पत्नी है, कौन कौन सी? श्रीश्चते लक्ष्मीश्पतन्या, हम लोग गाते इस मंत्र को, दो रूप से प्रधान रूप से दो पत्नी प्रभु की, श्रीश्चते लक्ष्मीश्पतन्या पतन्या है। पहली है श्री, श्री श्रीया श्री राधाया, राधा रानी प्रथम, और बाद में आई है हमारा लक्ष्मी जी। तो है वाम अंग जो था वो राधा रानी के हिस्से का था, इसलिए मेरे प्रभु ने स्वयं नहीं बल्कि राधा रानी ने ही इस गिरवर को उठाया और कनिष्ठ उंगली से उठाया। उसका कारण क्या? भगवान चाहते तो पूरे हाथ पर उठा सकते थे, लेकिन इसी सबसे छोटी उंगली पर उठाया। क्यों? भगवान ने सोचा ये छोटी उंगली कोई काम नहीं आती, हमारे हाथ की जो उंगलियाँ आएंगी कोई ना कोई काम जरूर आती है। हमारा जो अंगुष्ठ है, अंगूठा, ये संकेत के काम आता है बंधुओं। पहली उंगली जो है तर्जनी, सबसे पहली जो उंगली है ये संकेत के काम आती है। हम किसी को समझाते हैं या किसी को डांटते फटकारते हैं तो इसी उंगली से डांटते हैं, है? इसी से संकेत करते हैं। ये जो पहली उंगली है हमारे हाथ की उसके काम आती है। किसी देवी ने कोई हीरे की अंगूठी बनवाई और हीरे की अंगूठी बनवा के उसने इसी उंगली में पहन ली, है? और पहन के और वो मनी मन सोच रही थी मैं अपनी सहेलियों के सामने जाऊंगी और मेरी सहेलियां मेरी अंगूठी को देखूंगी तो बहुत बड़ाई करेंगी, डायमंड रिंग है। और वो जाकर के अपनी सहेलियों के बीच में जब गई शाम को मिलने के लिए तो बार बार संकेत कर रही थी, बहन तुमने वो देखा, तुमने ये, उसका मतलब ये था कि मैं उंगली करूंगी ऐसे समझाऊंगी और मेरी सहेलियों की नज़र मेरी अंगूठी पे जाएगी तो मेरी अंगूठी की बड़ाई करेंगी, है? उसका मन का ये भाव था। बार बार संकेत कर रही थी लेकिन ऐसी कुछ कृपा हुई उसकी, किसी सहेली की नज़र उसकी अंगूठी पर नहीं पड़ी। उसको आया गुस्सा, गुस्से में आके उसने क्या किया, घर में आई और आकर के घर में अपने आग लगा ली, गुस्से में घर में आग लगा ली। आग लगा करके ऐसा वर्णन आता है बंधुओं, जब लोग इकट्ठे हो गए आग बुझाने के लिए तो बार बार लोगों से कह रही थी देखो देखो यहाँ पे आग लगी यहाँ से बुझाओ, देखो यहाँ आग लगी यहाँ पे पानी डालो, है? बार बार इशारा कर रही थी ऐसे, जब बार बार सबको कह रही थी कि यहाँ आग है यहाँ आग है यहाँ बुझाओ। अब उसकी सहेली ने इतने में उसकी अंगूठी को देख लिया, अरे बहन दिखाइए तेरी हाथ में अंगूठी तो बहुत अच्छी है, बड़ाई करने लगी। अब वो देवी दुखी हो गई और कहने लगी, बोली अरे बहन यदि तू पहले ही इस अंगूठी की बड़ाई कर देती तो मुझे अपने घर में आग भी नहीं लगानी पड़ती। बोलो राधे राधे, इस अंगूठी के चक्कर में मैंने अपने घर में आग भी लगा ली। बताओ तर्जनी उंगली हमारी ये संकेत के काम, डांटने फटकारने के काम आती है। मध्यमा उंगली जो सबसे बड़ी उंगली होती है ये उंगली, इससे हम स्वयं को तिलक लगाते हैं, अनाम का, इससे हम ब्राह्मणों को भगवान को तिलक लगाते हैं। लेकिन ये कनिष्ठ उंगली कुछ किसी काम नहीं आ रही। भगवान ने सोचा चलो जब ये किसी काम नहीं आ रही तो इसी से उठा लेते हैं, बोलो राधे राधे, हैं? इसकी भी महिमा बढ़ा देते हैं, बेचारी सब उंगली कोई ना कोई काम आ रही है तो इसी को उड़ा, इसी को उठा लो। तो आज कनिष्ठ उंगली के नख पर मेरे प्रभु ने गिरवर को धारण किया है, गिरवर मेरे गोविंद ने धारण किया, ऐसा वर्णन आता है प्रिय श्रोताओं। 7 दिन तक मेरे बांके बिहारी उस गिरवर को धारण किए हुए खड़े रहे। जिस समय भगवान ने ये पर्वत उठाया उस समय उनकी अवस्था भी मात्र 7 ही वर्ष की थी बंधुओं। 7 वर्ष के कृष्ण कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 दिन और 7 रात्रि तक अपनी कनिष्ठ उंगली के नख पर धारण किया, इतनी बड़ी महिमा का दर्शन कराया। प्रिय बंधुओं 7 दिन हो गए, तृतीया से लेकर नौमी पर्यंत इंद्र घोर वर्षा करता रहा, जिसको हम लोग अक्षय नौमी कहते हैं।
अक्षय नवमी तक घोर वर्षा हुई है और जब इंद्र की वो मेघ मालाएं भी थक गईं, वर्षा बंद हो गई, तब मेरे प्रभु ने एक एक करके सब ब्रजवासियों को बाहर निकाला, निकाल करके गिरिराज जी को विराजमान कराया, स्थापित कराया, प्रणाम किया। और जैसे ही ब्रजवासी ब्रजमंडल की ओर आगे बढ़ने लगे तो ब्रजवासियों ने एक आश्चर्य देखा। क्या? सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बोले परीक्षित, ब्रजवासियों ने देखा जहां ब्रजमंडल में 7 दिन तक घोर वर्षा हुई है, उस ब्रजमंडल में ब्रजवासी देख रहे हैं वहां तो पानी की एक बूंद भी नहीं है, वहां तो धूल ही धूल उड़ रही है। प्यारे प्रभु, वो पानी फिर कहां गया, किस जगह गया? तब भगवान ने बताया, सुखदेव महाराज ने कहा, बोले परीक्षित, जिस समय इंद्र वर्षा कर रहा था उस समय सबसे पहले भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, हे चक्र आप जाइए ब्रजमंडल पर फैल जाइए और जो भी वर्षा इंद्र कर रहा है आप उस वर्षा को ऊपर से ऊपर सुखाते चले जाओ, ऊपर से ऊपर ही सुखाते चले जाओ। तो भगवान का चक्र फैल गया, जितनी भी वर्षा हो रही थी, जैसे गर्म तवे पे पानी की बूंद पड़े तो पानी छुन्न छुन्न करके उड़ जाता है, ऐसे ही जो भी वर्षा पड़ रही है सब छुन्न छुन्न करके उड़ती चली जा रही है। भोले बाबा भांग छान के बैठे हुए थे, मन में भाव आया चक्र के बीच में बड़ी ठंडक है रही होगी, तो भोले बाबा भांग छान के चक्र के बीच में आके बैठ गए, जिससे एक नाम भोलेनाथ का पड़ा है, चकलेश्वर महादेव। वो चकलेश्वर भगवान की जय। चकलेश्वर महादेव महाकाल का एक नाम पड़ा। अंदर का पानी बाहर गांव में ना जाए, इसके लिए बलराम जी शेष अवतार थे, बलराम जी शेष बन करके चारों तरफ फैल गए और जो अंदर पानी इकट्ठा हो गया था उसके लिए मेरे प्रभु ने अगस्त मुनि जी को याद किया है, हे अगस्त जी महाराज आप आइए और जितना भी पानी ब्रजमंडल में है आप उस पानी को सबको पान कर जाइए। ये अगस्त जी वही हैं जिन्होंने चुल्लू भर के अंदर पूरे समुद्र को पान किया था, तो आज उन्हीं अगस्त जी को बुलाया गया है, उन्होंने जल को पिया है। ब्रजवासियों ने देखा ऐसा आश्चर्य, कहां गयो भैया कन्हैया सब पानी? तब भगवान ने गिरिराज जी की महिमा बढ़ाते हुए कह दिया, बोले ब्रजवासियों जो भगवान इतनो माल खावे वाकू प्यास भी ज्यादा लगती होगी, तो लगे गिरिराज बाबा ही सब पानी को पी गए। बोलो राधे राधे। जब गिरिराज बाबा ने इतनो रुच रुच के हमारा भोजन पाया प्रसाद पाया तो उनको प्यास भी ज्यादा लगी होगी, इसीलिए वो सब पानी को पान कर गए हैं, सबको पान कर गए। सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न रह गए, वाह गिरिराज बाबा तो हमारे रक्षक हैं, हमारे प्राणन के दाता हमारे गिरिराज बाबा। आज उसी समय गिरिराज जी की महिमा को गाते गाते सब ब्रजवासी अपने अपने घरों को गए। वर्णन ऐसा आता है, इंद्र जब इस बात को सोचता है जरा देखू तो सही कैसी स्थिति है ब्रजमंडल में उन ब्रजवासियों की, लेकिन जब इंद्र आया तब इंद्र का अवमान नष्ट हुआ, देखा जहां सामर्थक नाम की मेघमालाओं को भेजा उस ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है। आज इंद्र ब्रज की जहां से सीमा प्रारंभ होती है साष्टांग प्रणाम करता हुआ भगवान के पावन चरणों में 10वीं के दिन पहुंचा है और 10वीं के दिन 10 श्लोकों में इंद्र ने सुंदर स्तुति गाई है कि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय शात्वतां पतये नमः, शात्वतां पतये नमः। भगः अस्यास्ति इति भगवानः। हे प्रभु आपके अंदर समस्त ऐश्वर्य विद्यमान है, मथुरा का ऐश्वर्य, गोकुल का ऐश्वर्य, वृंदावन का ऐश्वर्य, मुझे क्षमा करिए, मुझसे अपराध बन गया, अनजाने में ये अपराध बना है, इसलिए प्रभु मैं आपका अवोध बालक हूँ, मुझे क्षमा करो। इस प्रकार कान पकड़ करके आज इंद्र भगवान से क्षमा याचना कर रहा था, भगवान को भी दया आ गई, भगवान ने भी इंद्र को क्षमा कर दिया है कि गम्यताम शक्र भद्रम जाइए इंद्र, हमने तुमको क्षमा कर दिया और अनुशासन में रह करके शासन को संभालो। आज के बाद जीवन में कभी अवमान मत करना, ये मत भूलना कि तुम्हारी टंकी को भरने वाले भी हम ही हैं, है? जो तुम अवमान कर रहे थे वर्षा का, इसलिए अवमान अपने जीवन में दोबारा मत लाना, जाओ हमने तुमको क्षमा कर दिया। अब एक बात यहाँ पे उठती है, बहुत लोग ऐसा कहते हैं, कल हमने एक स्तुति सुनी थी ब्रह्मा जी की, आपने एक सुनी थी ना कल,
48 श्लोकों में भागवत जी में ब्रह्मा जी की स्तुति आई है, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया और इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति गाई, इंद्र को कैसे क्षमा कर दिया? अपराध की दृष्टि से देखा जाए तो इंद्र का अपराध ज्यादा बड़ा था, फिर भी भगवान ने इंद्र को क्षमा किया, ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया, ऐसा क्यों? उसका एक कारण तो यह, सुनो, भगवान को ब्रजवासी गाय बछड़े ज्यादा प्रिय हैं। ब्रह्मा ने एक साल तक गाय बछड़ों को और ब्रजवासियों को भगवान से दूर किया था, लेकिन ऐसा इंद्र ने नहीं किया। इंद्र ने तो 7 दिन तक ब्रज गोपियों को, गोप ग्वालों को, गाय बछड़ों को भगवान के समीप रखा, इसलिए भगवान प्रसन्न भी थे। जो ब्रजवासी, जो ब्रज गोपियां भगवान को देखने के लिए लालायित रहती थी, वो 7 दिन तक प्रभु का दीदार प्राप्त कर सकी, मेरे प्रभु इस बात से प्रसन्न भी थे, इसलिए इंद्र को क्षमा किया। दूसरी बात, ब्रह्मा बड़े हैं, इंद्र छोटा है। बड़े व्यक्ति का अपराध क्षम योग नहीं माना गया है, छोटा व्यक्ति यदि कोई बच्चा अपराध कर दे तो उसके अपराध को हमें क्षमा कर देना चाहिए। पिता अग्रस्तम जगताम अधीशम, याद रखना, यदि संतान से, बच्चे से यदि कोई अनजाने में अपराध बन जाता है तो पिता का ऐसा भाव नहीं कि उसको दंड दे, बल्कि उसको क्षमा कर दे। क्यों? क्योंकि अनजाने में अपराध बना है। ऐसे ही गुरु हैं, चेला से कोई अपराध बन गया, कोई पाप हो गया, तो गुरु का ये भाव नहीं कि उसको दंड दे, नहीं, पहले उसको समझाए, बेटा आगे से ऐसा नहीं करना, उसके अपराध को क्षमा कर दे, ये गुरु का भाव होना चाहिए। पिता गुरुस्तम जगताम, अपराध है, बन जाते हैं, ये शरीर है, पाप से बच पाना मुश्किल नहीं है, ना जाने कैसे कैसे पाप लगे रहते हैं जीवन में। ऐसी कोई एक अनपढ़ मैया थी, बिल्कुल अनपढ़, बहुत बुजुर्ग थी, बूढ़ी। एक दिन क्या हुआ, उस अनपढ़ मैया के गुरुजी उसके घर पे आ गए, और वो मैया ऐसी थी, उसका पूरा जीवन गायों की सेवा में, पशुओं की सेवा में निकल गया पूरा जीवन। गुरुजी आए, मन में भाव था मैया के, मेरे गुरुजी मेरे द्वारे आए, तो बड़ी प्रसन्न थी मैया। तो आज गुरुजी आए तो मैया के मन में भाव था, गुरुजी के लिए क्या किया मैया ने, एक थाली में पानी भरा, परात में पानी भर के, और मैया बैठ गई गुरुजी के सामने, गुरुजी के चरणों में बैठ के कहने लगी, लाओ गुरुजी तुम्हारे खुर पूजूं। खुर पूजूं? अब मैया इतनी भोली, दिन भर मैया ने आज तक बचपन से आज तक पशुओं की सेवा करी, बचपन में ही गुरु बना लिए थे, आज पहली बार गुरुजी घर पे आए। गुरुजी कहने लगे, मैया तू कहा बोला खुर पूजूं? अरे मैया मैं कोई पशु हूं, खुर पूजूं ये क्या? तो कैसे बोलू गुरुजी? बोले ऐसे बोलो मैया कि लाओ गुरुजी तुम्हारे चरणारविंद को पूजूं, तुम्हारे चरणारविंद की सेवा करूं। मैया ऐसी बोली, मैया ने कई बार प्रयास किया बोलने को, नहीं निकलो चरणा चरणा चरणा, अब कई बार कोशिश करी मैया ने, नहीं निकलो। मैया आए गुस्सा, मैया ने कही, अरे गुरुजी आग लगा ऐसे चरणारविंद में। अरे मैया ये कहा बोला तू, आग लगा ऐसे चरणारविंद में? ऐसे बोलेगी तो नरक में चली जाएगी। मैया ने सोची कोई ज्यादा ही बड़ी जगह होगी, ये तो कोई नई जगह सुनने में आई है। मैया ने सोची, मैया ने कही बोली, गुरुजी मोए ना जानो, ऐसी बड़ी जगह तो तुम ही जाओ, बोलो राधे राधे, मैं तो यही ठीक हूँ। गुरुजी ने भी सोची, यदि मैंने एक शब्द और बोलो अब तो नरक में पहुंचा रही, आगे ना जाने कहां पहुंचावेगी। बोले मैया तू बस यही रहे है? अपराध बना अनजाने में, तो ये नहीं कि उसको उसका दंड मिले, नहीं, उसको क्षमा कर देना चाहिए। तो आज भगवान को भी लगा इंद्र छोटा है, ब्रह्मा बड़े थे, इसलिए इंद्र के अपराध को क्षम योग माना गया, इंद्र को क्षमा कर दिया है। गम्यताम शक्र भद्रम वा क्रियतामेनुशासनं, जाइए इंद्र हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। इंद्र को क्षमा किया, दशमी के दिन 10 श्लोक में स्तुति गाई, और उसी दिन से ब्रजमंडल में गिरिराज जी की पूजा प्रारंभ हो गई। दशमी के बाद आती है एकादशी, और नंद बाबा कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी का पर्व था। नंद बाबा जो थे, ये उनका नियम था, एकादशी का व्रत बिल्कुल निराहार रहते थे, ना कुछ खाते ना ही कुछ पीते। कि एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दन, ना ही कुछ खाते ना ही कुछ पीते हैं, ऐसे ही व्रत नंद बाबा रहते हैं। निवेदन में करना चाहूंगा,
हम सबको व्रत ऐसे ही रहना चाहिए, व्रत को व्रत के हिसाब से ही रहना चाहिए। ये नहीं कि महाराज वैसे तो व्रत रह रहे, नाम है व्रत और वैसे बढ़िया बढ़िया माल बन रहे। आजकल के लोग व्रत कम करते हैं, व्रत ज्यादा करते हैं। व्रत यानी पेट पूजा। और बहुत लोग तो हमने ऐसे देखे हैं, जिस दिन व्रत रहेंगे उससे एक दिन पहले रात्रि में इतना पेट भर लेंगे, अगले दिन सुकारी जी भूखी ना लगे, बोलो राधे राधे, जल्दी तो भूखी ना लगे मारे। और व्रत भी रहेंगे, कभी समा के चावल बन रहे, कभी पकौड़े बन रहे, कभी, अरे ये व्रत थोड़ी ना है। व्रत को व्रत के हिसाब से रहना चाहिए। सुंदर भाव अनुष्ठान है ये। हमारे शास्त्रों में कुछ नियम आए हैं, किन किन समय पर व्यक्ति को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, कान खोल के सुन लो। कि रविंदु ग्राहे हर जन्म काले प्राण प्रयाणे द्विज भोजने च कन्या प्रदाने हरिवाश्रे च यदन्न भोजन नरकं प्रयान्ते। किन किन समय पर व्यक्ति को अन्न का त्याग कर देना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, सुन लो मेरे प्यारे। रविंद्र ग्राहे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, जिस समय ग्रहण पड़ता हो, ग्रहण काल में व्यक्ति को कभी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, उस समय व्रत रहे, अन्न बिल्कुल ना खाए। रविंद्र ग्राहे हर जन्म काले, हर जन्म काले का मतलब है जैसे भगवान का जन्म होता है, रामनवमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, इन समय पर हमको व्रत रहना चाहिए। जब भगवान का जन्म हो जाए, अवतार ले ले, तब हमें अपना व्रत खोलना चाहिए। दूसरा काम प्राण प्रयाणे तुझे भोजने च। तीसरा वर्णन आया है कहाँ नहीं करे भोजन। यदि कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी के प्राण निकल गए, तो उस समय में भी हमको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। द्विज भोजने, हमारे द्वारे कोई संत आए, महापुरुष आए, ब्राह्मण आए, तो ब्राह्मण के आने से पहले भोजन ग्रहण हमको नहीं करना चाहिए। पहले आए हैं जिनको बुलाया हुआ है अतिथि को सत्कार के साथ, पहले उनको अन्न ग्रहण कराए, भोजन प्रसाद पवाए, बाद में स्वयं पाए। द्विज भोजने च कन्या प्रदाने हरिवाश्रे च कन्या प्रदाने, जिस समय कन्या का दान होता है बंधु, कन्या दान के समय में माँ बाप को व्रत रहकर के निर्वाह करना चाहिए। जब कन्या का हाथ वर के हाथों में सौंप दे, उसके बाद व्रत खोलना चाहिए, उससे पहले व्रत रहकर के निर्वाह करे। हरिवाश्रे, जैसे ये प्रभु के बार हैं, एकादशी का बार, ये जो बार हैं सुंदर, इनमें हमें व्रत रह करके निर्वाह करना चाहिए। यदन्न भोजन नरकं प्रयान्तिम, यदि कोई अन्न ग्रहण करता है, अनुष्ठान ले लेता है और फिर भी अन्न ग्रहण करे, तो ऐसा व्यक्ति नरक का गामी होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। वैष्णव वही है जिसकी एकादशी जी के व्रत में पूर्ण निष्ठा है, वैष्णव वही है जिसकी तुलसी जी में पूर्ण निष्ठा है। बताया था ना ये तुलसी क्या है, जो हम लोग गले में माला पहनते हैं, ये तुलसी भी एक ठाकुर जी के नाम का मंगल सूत्र है, है? धारण करना चाहिए। और वैष्णव को जिसने दीक्षा ली हुई उसको तो अनिवार्य है, जरूर धारण करें। तुलसी जी की तो इतनी महिमा है, मत पूछो प्यारे, तुलसी के पत्ते पर ठाकुर जी तुल जाते हैं। कितना भी पड़ा कोई पापी क्यों ना सही, यदि मरते समय तुलसी के वृक्ष की छाया भी किसी व्यक्ति पर पड़ जाती है, भले ही वो पापी है, लेकिन फिर भी वो नरकों में नहीं जाता, मात्र तुलसी के वृक्ष की छाया पड़ने से ही वो प्रभु के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। ये तुलसी जी की महिमा है। यदि हमारे गले में तुलसी की माला है, ऐसा वर्णन आता है, हम साधारण जल से भी स्नान करते हैं, तो वो जल भी हमको रोजाना हर समय गंगा जल का ही फल प्रदान करता है। जितना अन्न ग्रहण करते हैं, हर ग्रास के साथ साथ हमको अनेक फल की प्राप्ति होती है, जिनके गले में तुलसी माला धारण होती है। तो ये नियम बनाओ मेरे प्यारे, वैष्णवता के ये नियम है। माथे पर तिलक, शिखा, गले में तुलसी माला, हाथ में कलावा, माला झोली, ये वैष्णवता के नियम है, इनको जीवन में जरूर धारण करना चाहिए। नंद बाबा का भी नियम था, निराहार व्रत रहते थे, ना कुछ खाते ना कुछ पीते। कहते हैं बंधु, एक दिन जब रात्रि में दसवीं एकादशी के दिन व्रत रहे, पूरे दिन के भूखे प्यासे,
रात्रि में सो रहे थे, रात में चांदनी रात थी, आँख खुल गई, नंद बाबा को लगा ब्रह्म मुहूर्त हो गया और रात में ही नंद बाबा कुछ ब्रज गोपों को लेकर के स्नान करने चले गए। लेकिन बंधु उस समय चल रहा था निषीध काल, कहते हैं निषीध काल रात्रि के 12 बजे से और ब्रह्म मुहूर्त के काल तक रहता है। उस बीच में उससे पहले याद रखना, निषीध काल में व्यक्ति को कभी भी जलाशय तालाबों नदियों इत्यादियों में स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल के देवता वरुण देव विश्राम करते हैं, उनकी निद्रा में भंग पड़ता है और व्यक्ति को घोर पाप लगता है। निषीध काल में स्नान वर्जित है। चांदनी रात थी, नंद बाबा को लगा ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सभी यमुना जी में स्नान करने चले गए, डुबकी लगाने लगे। वहां पर कुछ वरुण देवता के गण पहरा लगा रहे थे, उन पहरेदारों ने जैसे ही देखा बाबा को डुबकी मारते ही तुरंत नंद बाबा को पकड़ा और पकड़ करके ले गए खींच कर जल में भीतर और वरुण देवता की जेलों में नंद बाबा को बंद कर दिया। दो चार ब्रजवासी जो संग में आए सब घबरा गए, दौड़ करके कन्हैया को बताया, बोले लाला नंद बाबा यमुना में डूब गए। भगवान ने सोचा डूब गए, ऐसे कैसे हो सकता है, प्रभु समझ गए। दौड़ करके मेरे बांके बिहारी आते हैं, मार छलांग मेरे प्रभु यमुना के जल में वरुण लोक पहुंच जाते हैं और जो वरुण देवता की दृष्टि पड़ी तुरंत वरुण देवता दौड़कर प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता है। प्रभु बिना किसी पूर्व सूचना के आप आए हो कैसे, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान कराया, भगवान की आरती उतारी है। ये सारा दृश्य नंद बाबा देख रहे थे बैठे बैठे। नंद बाबा जेलों में बैठे हुए सोच रहे हैं, राम राम मेरे छोरा की कौन सी रिश्तेदारी ने करी यहाँ पे, ये चार चार हाथ वाले आदमी न जाने कौन है, और या की बहुत दूर तक जान पहचान, या को पहचानू नहीं, काऊ को जानू नहीं। भगवान ने भी कह दिया, वरुण देव हमारी आरती उतारते और पिताजी को जेलों बंद कर रखा है। बोले कौन से हैं? बोले वो बैठे जो सुना ये प्रभु के पिता हैं। तब आज वरुण देव भी प्रभु से क्षमा याचना कान पकड़ के करता है, बोले प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध बन गया, मुझे नहीं पता था ये आपके पिता हैं, क्षमा कर दीजिए। कि अजानता माम के ना मूढ़े ना कार्य वेदिना आनी तो यम तब पिता तद भवान छंतु मरुणी। प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध बन गया, मैं नहीं जानता था ये आपके पिता हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसी समय भगवान ने आज इंद्र उस वरुण देवता को क्षमा किया, ठीक है आपसे अनजाने में अपराध बनाए, क्षमा कर दिया। वरुण लोक से भगवान नंद बाबा को लेकर के आए, ब्रजवासियों की लाइन लग गई यमुना के किनारे। लेकिन जब नंद बाबा को अपनी ओर आते देखा, दौड़ कर नंद बाबा को अंक से भरा, अरे बाबा कहाँ चलो गए डुबकी मार के। नंद बाबा ने भी कही, बोले भैया आज तो गजब है। बोले कैसे? बोले कहा बताऊं, जैसी डुबकी मारी ना जाने कहां थे चार चार हाथ वाले आदमी आए और हमको ले जाके कहां जेलन में बंद कर दियो। बोले बाबा फिर का भयो? बोले फिर मेरे कन्हैया कैसे पहुंच गए ना जाने, और जैसी कन्हैया पहुंचो सब या के पैरन में लोट पोट रहने लगे। ऐसी सेवा है रैया की जैसे ये उनको भगवान हो। जो ब्रजवासियों ने सुना भगवान हो, तुरंत मन में भाव जागृत हो गया ब्रजगोपों के, हो ना हो लाला ये कन्हैया हमारो भगवान है, कहीं सचमुच में भगवान तो ना है। एक ब्रजवासी कहने लगो, चोरे हमने तो यूं सुनी है भगवान तो बैकुंठ में रहवे, और ये कैसे भगवान, ये तो हमारे संग यहाँ पे ब्रज में गिल्ली डंडा खेले, ये भगवान कैसे रह सके। अरे तो ये ना पता, ये ऐसी रहे में चल यही थे पूछेंगे। अब ब्रजवासियों ने नंद बाबा तो छोड़ दी, अब कन्हैया गिर ली। चौरे कन्हैया लाला हम तो कोई दुश्मनी है का? बोले का भयो? बोले तने बाबा को दर्शन करवाए दो बैकुंठ को, हमें भी दर्शन करवा दे। अरे भैया मैं भगवान भगवान ना हूं, मैं कैसे बैकुंठ को दर्शन। बोले देख कन्हैया यदि तू भगवान है तो हमें तो से कछु चाहिए नहीं, बस एक निवेदन हमारा ये है एक बार अपने बैकुंठ को दर्शन करवा, तेरो बैकुंठ है कैसो। भगवान ने भी सोचा चलो जब इतनी प्रार्थना कर रहे हैं तो करा दे देते हैं। भगवान लेकर के सब ब्रजवासियों को पहुंच गए ब्रह्म कुंड पर। वृंदावन में एक रंगजी का मंदिर है, आप कभी जाना दर्शन करना, जहां सोने का खंभा सोने के हाथी, बहुत बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर वही है।